कलाकारों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मेरा नाम नागेंद्र कुमार पटेल, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूँ जी। ये फिल्म जो है नाम से ही जो है एक यूनिक है, इसका अद्वितीय फिल्म जिसे बोला जाता है, इसकी जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है। और ये फिल्म जो है देशभक्ति पे बन रही है, इस फिल्म को सभी लोग देख सकते हैं जिस ये फिल्म का प्रॉफिट जो है, मैं सबसे पहले तो सैल्यूट करना चाहूँगा मिस्टर राज सिंह राजपूत सर और प्रोड्यूसर मिसेज रेणुका सिंह राजपूत जी का, जिनकी इतनी बेहतर सोच है कि इस फिल्म का 25% देश के जवानों और किसानों को देते हैं। अभी इससे पहले बदला हिंदुस्तानी का उन्होंने जो फिल्म बनाया था उसका भी 25% देश के जवानों और किसानों को दिए थे, और 10% केरल जो बाढ़ पीड़ितों को दिया गया था। तो ये सोच बहुत ही अच्छी है, देश के जवान जो हैं वो गोली खाते हैं सीने पर, वहाँ पे बॉर्डर पे डट के हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं। और हमारे देश के किसान जो हैं वो अभी देखा जाए तो देश के किसानों की वजह से 70% इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हमारे देश के किसानों की वजह से ही चलती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो मेहनत करते हैं, अन्न देते हैं तब हम लोग जाके खाते हैं। तो ये इतनी बेहतर सोच है, मुझे लगता है कि मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा जो इस लायक हैं, अगर वो इस चीज़ को समझें देश के जवान और किसान के प्रति, तो हमारे देश की कंडीशन बहुत ही अच्छी होगी। बात तो हम ऐसे जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से, हम लोग जुड़े हैं। हमारी तो बात, मेरे लड़का विशाल देसाई की तरफ से उनकी दोस्ती हुई, जैसी भी बात पहले पिक्चर उनकी आई थी मतलब हिंदुस्तानी का, उस वक्त से मतलब उन्होंने विशाल देसाई को इस तरह का काम देखकर सराहा। और दूसरी बात हो गई कि अच्छा, जो उन्होंने जो उनके दिमाग में कंसेप्ट है कि जो हमारे देश के जवान हैं उनको कुछ अपने इनकम से 25% में उसमें देना है। आज तक हमने मतलब मेरे लाइफ में आज तक मैंने सुना कोई इंडस्ट्री के फिल्म इंडस्ट्री वाले ने आज तक किसी को ऐसा अपने इनकम से किसी को कुछ दिया है। तो इनकी एक अच्छी सोच है कि ये इन्होंने जो सोचा है कि 25% जवानों को और अपने किसान भाइयों को जो पैसा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसी सोच सबने करना चाहिए। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा एक बोल दिया है कि भाई कुछ ना कुछ आपको भी करना जरूर करूँगा। मैंने बता हिंदुस्तानी में मैंने लड़के का पिताजी का ही काम किया हूँ, तो वैसा इसने भी मुझे थोड़ा कुछ दिया होगा काम का। अभी तक मुझे क्या है क्या मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि इनक्रेडिबल इंडिया जो है अतुल्य भारत, यानी इसे जो अच्छा मैसेज देता है कि आने वाले समय में जिस तरह से अच्छे से जो भी अपनी मन की भावना है, जो व्यक्ति जो आदमी बोल नहीं सकता वो आदमी इस माध्यम से बोल रहा है। आज हम बैठे आपके सामने तो हमको हमारा तो खुशनसीब है कि आप मतलब हम आज बोल रहे हैं, तो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है दोस्तों नए कलाकारों को। नमस्कार, सर्वप्रथम मेरा नाम गुलाब सिंह पटेल है, जो इलाहाबाद प्रयाग नाम से अब जो जाना जाता है, और इस फिल्म के बारे में हम कहना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आए मीडिया बंधुओं को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और ये फिल्म अच्छी है, इनक्रेडिबल इंडिया, जो फिल्म हमारे प्रोड्यूसर राज सिंह राजपूत और रेणुका सिंह राजपूत, डायरेक्टर राज सिंह राजपूत जी हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये फिल्म जो हट के बहुत बढ़िया फिल्म है ये हमारे इनक्रेडिबल इंडिया। और जो 25% जो हमारे राज सर की सोच है, गरीब किसान और देश के जवानों को दे रहे हैं, उनका सोच बहुत बढ़िया है। और हम राज सर की सोच को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम नीलम अरोड़ा है और मैं इस मूवी में काम कर रही हूँ। इनक्रेडिबल इंडिया जो है एक अलग लीग से हटकर मूवी है, जिसमें एक नए आर्टिस्टों के साथ ही कुछ एक विशेष बात है जो आजकल की हर किसी भी फिल्म में नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो इसका 25% पार्ट है वो दूसरे को दिया जा रहा है, दूसरे के निशान गरीब किसानों को, देश के सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। ये पहल हम लोगों को, सभी लोगों को करनी चाहिए। सबसे पहले मेरा आप सब लोगों को नमस्कार और नए साल की सभी लोगों को बधाई। और मेरा नाम अवधेश शर्मा है और मैं इस फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार के साथ जुड़ा हूँ, एक्टर भी हूँ और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हूँ इस फिल्म का, राज जी के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और ये फिल्म हमारी देश के ऊपर ही है, जो कि हमारे एक बॉर्डर की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और हम यही कहेंगे कि जो फिल्म बना रहे हमारे इस फिल्म में 64 एक्टर, जो कि हमने वन डे टू डे से लेके करेक्टर से लेके सभी का देख रहे हैं, पोस्टर भी है, डिज़ाइन भी है, सब लोगों को काम एक साथ लेकर चले हम एक परिवार जैसे। तो हम यही चाहते हैं हमारी ये फिल्म अच्छी बने। और राज राजपूत जी और रेणुका मैम को बधाई देता हूँ
कि हमें इस प्रोजेक्ट में अपने साथ जोड़ा और उनके साथ में काम करो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें राजपाल जी हैं, मुश्ताक जी हैं, अली जी हैं, दिलीप केदार, काफ़ी एक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं। और आज हमारे यहाँ पे हल्का याग्निक के स्टूडियो में हमारा गाना रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि इसके पहले राजा हसन जी गाकर गए और अभी शाहिद माल्या जी आकर गए, तो बहुत ही अच्छा लगा इस गाने को रिकॉर्डिंग करके। और भी हमारे 6-7 गाने हैं जो रिकॉर्डिंग होंगे अलग अलग स्टूडियो में, तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ। बहुत ही प्यारी मूवी है इनक्रेडिबल इंडिया, जिस मूवी में मैं जुड़ी हूँ थ्रू आसिफ जी, जो इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, एंड इस मूवी के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राजपूत सिंह एंड अनदर प्रोड्यूसर रेणुका राजपूत सिंह जी। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ देम, जो उन्होंने मुझे इस मूवी में गाने के लिए सिलेक्ट किया है। एंड गाना बहुत प्यारा है, मैंने जस्ट अभी सुना, एंड क्या कहते हैं, आई होप कि ये गाना काफ़ी आगे अच्छे से मार्केट में ये होगा, लोगों को पसंद आएंगे। सबसे पहले तो सारे देशवासियों को मैं हैप्पी न्यू ईयर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक म्यूज़िक कंपोजर के नाते हम लोग इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमने शाहिद माल्या जी को और शरद बोरा जी को गाने गवा रहे हैं, हमें उनको गवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा गाना बना हुआ है। और राज सिंह राजपूत जी और रेणुका राजपूत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस फिल्म में हमें मौका दिया है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फिल्म का 25% जो है गरीब किसानों को, जो आत्महत्या कर चुके उनके परिवार वालों को, खेतिहर मजदूरों को, वो अपने इस फिल्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा दान देंगे।